हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से 11 जुलाई तक, उसके जो ऑल 25 शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको वीडियो में ये भी बता दूंगा दोस्तों कि आप जो है ऑल शिफ्ट के पीडीएफ फ्री में जो है कैसे ले सकते हैं। और ये जो पीडीएफ रहेगा वो आपका हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, आप उसे ज़रूर दबा लीजिएगा। और बगल में आपको जो है बेल आइकन यानी घंटे का निशान दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होता है आपको सबसे पहले और 100% जेन्युइन न्यूज़ ही दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों 1 जुलाई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था शाम में। आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई को सिर्फ आपका थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 1 जुलाई के जो है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ जो है मैं जीके और जीएस के वीडियो के बारे में जो है डिस्कस करने वाला हूं। और अगर आपको मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश का आपको क्वेश्चंस चाहिए तो वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपका जो जीके में पहला क्वेश्चन आया था कि करुण चंडोक जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो करुण चंडोक जो है ये कार रेसिंग खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने जो है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो देखिए, प्रसिद्ध पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर ने जो है डेविल्ड एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो है ये लिखी है। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि निम्नलिखित में से जो है किसने लिंकड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए जो है बैटरी शब्द गढ़ा था। तो देखिए, लिंकड कैपेसिटर का वर्णन के लिए जो बैटरी शब्द का जो गढ़े थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गढ़ा था। तो ऑप्शन थ्री जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो ज्योतिराय फूले थे। तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था। तो देखिए, आर्ची नामक पहले जो सर्च इंजन के संस्थापक थे ये एलन एमटेज थे। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है ये भारत के 6 राज्यों से लगती है, ठीक है। तो और ये वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है और झारखंड है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। ये छत्तीसगढ़ की सीमा जो है ये 6 राज्यों से लगती है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें पूछा गया था कि कौन से राज्य से नहीं लगती है, तो पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सीजर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सीजर कप जो है ये फुटबॉल कप से संबंधित है, सॉरी, फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में जो है IMPS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में जो IMPS का जो फुल फॉर्म होता है वो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि वल्यार बांध केरल के किस जिले में है। तो देखिए, वल्यार बांध जो है ये केरल के पलक्कड़ जिले में है। तो ऑप्शन थ्री जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी जो है इसका निर्माण के बारे में पूछ दिया जाता है दोस्तों कि कब इसका निर्माण हुआ था। तो आपको याद रखना है कि वलियर बांध का जो निर्माण हुआ था ये 1964 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि मई 2019 में जो है सुरेश कुमार को किस कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो देखिए, सुरेश कुमार को जो है वालमार्ट कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में जो इन्हें नियुक्त किया गया था, कब किया गया था, तो 10 मई 2019 को। तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सोनाली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध परमंगन बिंदु है, ठीक है।
तो सोनाली बॉर्डर जो है भारत और नेपाल के बीच जो एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है, तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि गुजरात में जो स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए गुजरात में जो स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है, और ये गुजरात के नर्मदा नदी के किनारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित ये स्टैच्यू है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 13 मई 2019 में जो है प्रेम सिंह तमांग ने जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो प्रेम सिंह तमांग ने जो है ये सिक्किम राज्य की जो है 13 मई 2019 को शपथ ली है, तो ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था कि यूनेस्को की मान्यता की अमृत संस्कृति सूची में जो है केरल के निम्नलिखित कलारूपों में कौन सा कलारूप शामिल है, तो देखिए केरल के जो कलारूप में जो शामिल है वो कुटी याटम है, तो ऑप्शन फोर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, तो देखिए जीव विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है अंगों के अध्ययन से संबंधित, तो वो शरीर रचना विज्ञान कहते हैं उसे, ठीक है, तो ऑप्शन वन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहा था कि निम्नलिखित में से जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक का लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ये जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि लाइपेज नामक एंजाइम जो है शरीर के किस अंग द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए लाइपेज नामक एंजाइम जो है ये अग्नाशय अंग द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन फोर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहा था कि ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन 2018 में जो है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो देखिए ग्लोबल वेंचर कैपिटल सम्मेलन जो 2018 का हुआ था ये आपका गोवा राज्य में जो आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन फोर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहा था दोस्तों कि AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो देखिए AIX जो है ये IBM कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहा था कि मई 2019 में जो है 24वें नौसेना अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए 24वें जो नौसेना अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है ये करमबीर सिंह को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों कि वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है ये जनरल बिपिन रावत है, और वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयरशिप मार्शल वीरेंद्र सिंह धनोआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कह रहा था कि किस राज्य में जो पारंपरिक नृत्य ओटम दुलाल लोकप्रिय है, तो देखिए आपका जो है ये केरल राज्य में जो है पारंपरिक नृत्य ओटम दुलाल ये लोकप्रिय है, तो ऑप्शन फोर जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और केरल के और प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये केरल राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है, और कथकली भी जो है ये केरल राज्य का लोक नृत्य है, और एक आपका पूछा जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है, तो ये किस राज्य का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि किस राज्य ने जो है भारत में पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट स्थापित करने का प्रस्ताव जो है ये प्रस्तुत किया था, तो देखिए ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ब्लॉकचेन तकनीक जो होता क्या है, तो ब्लॉकचेन चैन जो एक ऐसी तकनीक है जिससे जो है बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का जो है संचालन किया जाता है, जो कि क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल आप मान सकते हैं एक बिटकॉइन जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बिटकॉइन, ठीक है, तो यही जो है ब्लॉकचेन आपका तकनीक है, ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था ये तेलंगाना राज्य ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाता। नेक्स्ट आप कहा था कि भारत में जो सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो भारत में जो सबसे ठंडा स्थान है ये द्रास है, तो द्रास जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, और द्रास का जो अन्य नाम है ये भी आपको याद रखना है कि लद्दाख के नाम से भी जो है द्रास को जाना जाता है,
कभी कभी ऑप्शन में जो आपका द्रास ना देके लद्दाख दे देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व का जो सबसे ठंडा स्थान है ये बखो यांसक है। ठीक है, याद रखना बखो यांसक। और ये कहाँ पर है, तो ये सर्बिया में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है ये अलजीजिया है। ठीक है, अलजीजिया जो कि आपका लीबिया में है, लीबिया देश में है। ठीक है, और भारत में जो सबसे ठंडा स्थान है ये आपका द्रास यानी लद्दाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था 1971 में, ये युद्ध के दौरान जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे वो जगजीवन राम थे। तो ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो युद्ध हुआ था वो 3 से 16 दिसंबर के बीच हुआ था, और ये जो युद्ध चला था ये 13 दिन तक चला था, जिसमें जो है पाकिस्तान को बहुत बुरी हार झेलना पड़ा था। ठीक है, जिससे जो है बांग्लादेश देश जो है अलग हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत के, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वीबी गिरी थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय जो 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी, और विदेश मंत्री कौन थे, तो स्वर्ण सिंह थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का जो पहला मैच कब खेला गया था। तो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का जो 2019 का पहला मैच जो है ये साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ये आपको याद रखना है। और ये कब खेला गया था, तो 30 मई 2019 को खेला गया था, जो कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। ठीक है, जिसमें जो है इंग्लैंड विजयी रहा था, 104 रन से जो है साउथ अफ्रीका को हराया था। नेक्स्ट आपका 2 तारीख के प्रथम पाली का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख को आपका 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम ही हुआ था, और 2 तारीख के प्रथम शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था जीके में, आपका जो पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा राजनीतिक दल 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का सहयोगी दल नहीं था। तो देखिए, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आपका DMK पार्टी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि NDA का सहयोगी दल नहीं था 2019 के लोकसभा चुनाव में, जो कि भाजपा का नेतृत्व में जो है NDA का सहयोगी दल नहीं था। तो DMK का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि द्रविड़ मुनित्रा कजाकम। ठीक है, द्रविड़ मुनित्रा कजाकम जो है ये इसका, ये DMK का फुल फॉर्म है। और ये किस राज्य का पार्टी है, तो ये आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु राज्य का जो है पार्टी है। ठीक है, और ये जो है NDA का सहयोगी दल नहीं था। तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि मई 2019 में जो है भारत सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है, जिसमें जो है 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों को जो है न्यूनतम मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया है। इस योजना में जो है पेंशन राशि कितनी है, तो दोस्तों ये जो योजना थी ये प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना थी, जो पेंशन राशि मिलेगी आपको 60 वर्ष के बाद। ठीक है, उसमें 300 रुपये प्रति महीने, लेकिन इसमें जो शर्त रखी गई थी दोस्तों कि आपकी उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर जो है 40 वर्ष तक आपकी जो है उम्र होनी चाहिए। और आपको बता दें कि आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो आपको प्रति मंथ जो है 55 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, और यदि आपकी उम्र 40 वर्ष हो गई है तो आपको जो है 200 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, तब आपको जो है 60 वर्ष के बाद जो है 3000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। तो इस योजना में जो पेंशन राशि कितनी है, तो ऑप्शन 3 3000 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि वाल्मीकि रामायण का प्रमुख संस्थान स्थान पंचवटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पंचवटी है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप कहा था कि जून 2019 में जो है पेप्सी को इंडिया ने किस जगह फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए जो है $70 मिलियन का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है प्रस्ताव रखा है, तो ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है, तो देखिए फिल्म जो पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक हैं ये उमंग कुमार हैं, तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पीएम नरेंद्र मोदी की जो फिल्म है ये कब रिलीज़ हुई थी, तो ये भी आपको डेट याद रखना है कि 24 मई 2019 को जो ये फिल्म रिलीज़ की गई थी। और इस फिल्म के जो लेखक हैं ये भी आपको याद रखना कि इस फिल्म के जो लेखक हैं ये अनिरुद्ध चावला हैं, और इसके जो एक्टर हैं इस फिल्म के पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के जो एक्टर हैं वो विवेक ओबराय हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि इस फिल्म के जो है एक्ट्रेस कौन थी, ठीक है, इसका जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पान सिंह तोमर जो है 7 बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो देखिए पान सिंह तोमर का जो संबंध है ये लंबी घुड़दौड़ यानी स्टीपल चेज से इनका संबंध है, तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि रानी की वाव यानी रानी का स्टेपवेल जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए 22 जून 2014 को जो है इसको जो है विश्व विरासत स्थल में जो है सम्मिलित किया गया था। किसको सम्मिलित किया गया था, तो रानी की वाव को जो है 22 जून 2014 को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। और इसका जो चित्र अंकित है ये 100 रुपये के नए नोट पर भी जो है रानी की वाव का चित्र जो है अंकित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए वाष्पीकरण और द्रव की संयुक्त जो प्रक्रिया होती है उसे आश्वनीकरण कहा जाता है, तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि 31 मई को जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जो है किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 31 मई को मनाया जाता है, और इस जो है राजस्थान राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि GST के संबंध में जो है GSTIN का पूर्ण रूप क्या होगा, तो GSTIN का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो ऑप्शन 3 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से जो है एक महाकाव्य कामयानी का लेखक कौन है, तो इस कामयानी का जो लेखक हैं ये जयशंकर प्रसाद हैं, तो ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहता कि 2018 के जो एशियाई खेल में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान कौन थी, तो जो रजत पदक जीतने वाली जो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान थी वो पायल चौधरी थी, तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो कि 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था उसमें भारत जो है कौन सा पदक जीता था, तो ये भी आपको याद रखना है कि रजत पदक जीता था, और उस टीम के जो कप्तान थे भारत टीम के महिला भारतीय टीम के, तो पायल चौधरी थी। नेक्स्ट आप कहा था कि निम्नलिखित में से जो है किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है, तो निम्नलिखित में से जो आपका सीसा में गैलेना नामक अयस्क होता है, ठीक है, जिसको हम लोग PB से डिनोट करते हैं, तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कहा था कि निम्नलिखित में से जो है कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था, तो देखिए निम्नलिखित में से जो आपका खिज्र खा दिल्ली का पहला सैयद शासक था, तो ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कि खिज्र खा का जो शासन काल रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 1414 ईस्वी से जो है 1421 ईस्वी तक जो है इनका शासन काल रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत के जो टोटल कितने वंश थे ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो दिल्ली सल्तनत के टोटल जो है ये 5 वंश थे, ठीक है, पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था,
ठीक है, पहला वंश आपको याद रखना है कि गुलाम वंश था और इनका जो शासन काल रहा था वो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा था। बात करें सेकंड की दोस्तों, तो सेकंड में आपका खिलजी वंश आया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था, सेकंड वंश आपका खिलजी वंश था, थर्ड जो आपका था वो तुगलक वंश था, ठीक है, तुगलक वंश, फोर्थ जो आपका था वो सैयद वंश था, और फिफ्थ जो आपका था लोदी वंश था, जिनका जो है शासनकाल 1456 से 1526 ईस्वी तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था कि निम्नलिखित में से जो कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो देखिए आपका जो सिक्किम राज्य है ये नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि निम्नलिखित में से जो है किसने 2018 एशियाई खेल में जो है घुड़सवारी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, तो 2018 का जो एशियाई खेल हुआ था उसमें जो घुड़सवारी प्रतियोगिता हुआ था उसमें जो रजत पदक जीते थे ये फवाद मिर्जा ने जीता था, तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि कंप्यूटर मेमोरी में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो बार बार एक्सेस किए गए डेटा को जो है तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो उसे जो है कैश कहा जाता है, तो ऑप्शन थ्री जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भूपेन हजारिका सेतु जो है जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है असम और किस राज्य को जोड़ता है, तो ये जो भूपेन हजारिका सेतु है जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को जोड़ता है, तो ऑप्शन फोर जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी तरंगे या किरणें जो है उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे किरणें हैं, तो ये जो गामा किरणें हैं ये आपका उच्चतम आवृत्ति वाली जो है तरंगे है, ठीक है, तो ऑप्शन टू जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से जो कौन 2019 के 1 लाख डॉलर वाले जो है 9 डॉट्स पुरस्कार का विजेता है, तो जो है 1 लाख डॉलर के 9 डॉट्स पुरस्कार के जो विजेता थे ये एनी जैदी थे, तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि चीन के साथ जो है सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है, तो चीन के साथ जो सबसे लंबी सीमा जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ लगती है, तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि गूगल को जो है किस वर्ष एक निजी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, तो गूगल को जो है 1998 में जो है एक निजी कंपनी के रूप में जो है स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन थ्री जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था 2019 के जो है नए मंत्रिमंडल में जो है सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय निम्नलिखित में से जो किसे आवंटित किया गया था, तो ये जो मंत्रालय आवंटित किया गया था ये नितिन जयराम गडकरी जी को आवंटित किया गया था, कौन सा आवंटित किया गया था, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय का, ठीक है, तो ऑप्शन वन जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान की कमी या भुगतान को संदर्भित करता है, तो ये जो संदर्भित करता है ये एमोरोटाइजेशन करता है, तो ऑप्शन थ्री जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के जो है पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि रॉयल टाइटल एक्ट जो ये कब पारित हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 1876 ईस्वी में जो है ये रॉयल टाइटल एक्ट जो है ये पारित किया गया था, और उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो बेंजामिन डिजराइली थे, ठीक है, तो ऑप्शन टू जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको जो इसका पीडीएफ कैसे लेना है, तो आपको जो है इसका पीडीएफ जो है ये टेलीग्राम लिंक पर जो आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक से दो दिन में जो आपको टेलीग्राम लिंक पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपको टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, तो टेलीग्राम पे जाने के बाद जो आपको स्टडी फॉर यू जो आपको सर्च करना है, सभी आपको कैपिटल अक्षर में सर्च करना है स्टडी फॉर यू, आप ऐसे जैसे ही सर्च करोगे दोस्तों मेरा चैनल का आपको जो है आ जाएगा और आप इजिली जो है वहाँ से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो।
और बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आपको और शिफ्ट के क्वेश्चंस चाहिए, मतलब सभी शिफ्ट का, तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। और आपको समझाने के लिए अगर और चाहिए आपको समझने के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर लूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।